हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपका कुक विद नफीसा के चैनल में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे स्प्रिंग रोल की रेसिपी। तो ये स्प्रिंग रोल हम घर में बहुत, हम बाज़ारों में तो बहुत खाते हैं, मगर हम इसको घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं, मैं सारे आपको ट्रिप्स एंड टिक बताऊँगी। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें एंड मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड करूंगी और अनियन को मैंने बहुत बारीक स्लाइस किया हुआ है। अब प्याज को हमको बिल्कुल एक मिनट तक खाली सॉटे करना है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करूंगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और इसको मिक्स करने के बाद मैं एक मिनट तक और इसको भून लूँगी। हमें प्याज का कलर नहीं चेंज करना है, ध्यान रहे। अब प्याज मसाला हमारा दो मिनट तक सॉटे हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऐड करूँगी। वेजिटेबल में सबसे पहले मैंने कैबेज लिया है, इसको बारीक चॉप किया है मैंने। इसके बाद कैप्सिकम, इसको भी बारीक काटा है मैंने लंबे लंबे उसमें शेप में। और उसके बाद कैरेट ऐड करूँगी। कैरेट को मैंने क्या किया है कि इसको ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सब्जियां जी मैंने दो मिनट तक भून लिया है। सब्जियों में, सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, बस इसे तेज आंच पे जो है हमें फ्राई करना है। अब यहाँ पे बाकी की चीज़ें ऐड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली सॉस, विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं हो तो आप इसके जगह पे लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और सोया सॉस। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सब जब हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चिकन। तो ये चिकन के श्रेडेड चिकन किया हुआ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैंने क्या किया था कि इसको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने अच्छे से बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया था। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस जगह पे क्या कर सकते हैं कि चिकन आप स्किप कर सकते हैं। आप अगर चिकन की जगह पे चाहें तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो चुका है। तो अब इसको क्या करेंगे कि 10 से 15 मिनट तक हम इसको रखेंगे और रख के थोड़ा ठंडा कर लेंगे और तब इसका रोल बनाएंगे हम। बनाने के लिए पहले क्या करेंगे कि एक मैदे की स्लरी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं 2 टेबलस्पून मैदा लूंगी और उसके बाद मैं उसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके इसको अच्छे से एक घोल तैयार कर लूंगी। तो ये स्लरी हमारी तैयार हो गई है और ध्यान रहे कि ये बनाने वक्त कि इसमें लंप ना पड़े। स्प्रिंग रोल का शीट मैंने ले लिया है। अब इसको मैं इस तरह से अरेंज करके अब यहाँ कॉर्नर पे जो मिक्सचर मैंने बनाया था उसको रखूँगी। और याद रहे कि ये जो मिक्सचर है वो हमें कॉर्नर पे रखना है, बीच में नहीं रखना है। अब यहाँ पे प्रेस करते हुए मैंने एक फोल्ड लिया। अब याद होगा आपको कि मैंने जो स्लरी बताई थी आपको, तो उसको हमें ये बॉर्डर पे यहाँ पे इसको अच्छे से लगा लेना है ताकि जो हम रोल बना लें तो उसको सिक्योर करने के लिए ये अच्छे से चिपक जाए। दूसरा फोल्ड जो है मैंने यहाँ पे लिया है, दोनों तरफ से उसको अच्छे से लॉक कर दिया है। अब इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा रोल बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे रोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो स्प्रिंग रोल हमारे सारे बनके तैयार हो चुके हैं फ्राई करने के लिए। तो ये स्प्रिंग रोल जो है आप इसको फ्रेश ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं और अगर आप इसको चाहें स्टोर करना तो इसको फ्रीज कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए। और इसको आप रमज़ान में चाहें तो बना के रख लें फ्रीज़र में और आप आराम से इफ्तार के वक्त इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो इसको फ्रीज करने के लिए क्या करना है कि हम एक एयर टाइट बॉक्स लेंगे और उसमें अच्छे से इसको अरेंज करके और लॉक करके इसको रख देंगे। और याद रहे कि इसको हम खुले बर्तन में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये इसमें कभी अगर पानी वगैरह लग गया तो ये खराब हो सकता है। मैंने तेल गर्म कर लिया है मीडियम आंच पे। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग रोल बनाया था उसको मैं ऐड कर दूंगी। और ये ध्यान रहे कि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि ये जले ना। तो इसे उलट पलट करके हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ
यहाँ देख रहे हैं कि हमारा रोल जो है गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है, तो हम इसको इसमें से निकाल लेंगे कढ़ाई में से। और ये रोल हमारा बहुत ही क्रिस्पी क्रंची। अब इसी तरह से बाकी के सारे ये रोल हम फ्राई कर लेंगे।